हेलो दोस्तों, माइंड डोज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम हु मूव्ड माय चीज बुक का समरी जानेंगे, जिसका राइटर डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन है। तो शुरू करते हैं। हम सब के हिस्से इस कहानी में आने वाले चार काल्पनिक पात्र चूहे स्निफ वस्करी और दो छोटे लोग हेव व हाव उम्र लिंग जाति या राष्ट्रीयता से हम सभी के अंदर छुपे सरल व जटिल हिस्सों का प्रतिनिधि है। कभी हम स्निफ की तरह हरकत में आ जाते हैं और होने वाले बदलाव से पहले ही सूंघ लेते हैं, तो कभी हम स्करी की तरह मांदिक फुर्ती से अपनी लय में आते हैं। कभी हम हेम हो जाते हैं और बदलाव को नकारते हैं, उसका विरोध करते हैं, क्योंकि हमें यह डर सताता है कि इससे हमारा कुछ बुरा ना हो जाए। और कभी हम हॉक की तरह समय रहते सीख जाते हैं, जो तार लेता है कि परिवर्तन कुछ बेहतर की ओर ले जाने वाला है। हम चाहे जिस हिस्से को अपने व्यवहार में लाएं, हम सब इनमें से किसी न किसी पात्र की तरह तो हैं ही, और हम सभी का मकसद एक ही है, भूल भुलैया में अपनी राह तय करने और बदलते वक्त में कामयाब होने की ज़रूरत। कहानी के पीछे की कहानी। मेरा चीज किसने हटाया कि कहानी के पीछे की कहानी बताने में मैं रोमांच का अनुभव कर रहा हूँ। मेरा चीज किसने हटाया परिवर्तन की कहानी है। यह परिवर्तन एक भूल भुलैया में घटित होता है, जहाँ चार मज़ेदार पात्र चीज की खोज कर रहे हैं। चीज उस वस्तु का प्रतीक है जिसे हम जीवन में हासिल करना चाहते हैं, चाहे वो नौकरी हो, प्यार हो, दौलत हो, बड़ा घर, आज़ादी, स्वास्थ्य, मान सम्मान, आध्यात्मिक शांति, या जॉगिंग या गोल्फ की तरह कोई दूसरी वस्तु हो। हमारा चीज क्या है, इस बारे में हम में से हर एक का अपना विचार होता है। हम चीज का पीछा इसलिए करते हैं क्योंकि हमें यह भरोसा होता है कि इसे हासिल कर लेने के बाद हम खुशी हो जाएंगे। अगर हम चीज को हासिल कर लेते हैं तो हमें इसकी आदत पड़ जाती है, इसलिए जब हम इसे खो देते हैं या यह हमसे दूर हो जाता है तो हमें बहुत दुख होता है। कहानी में भूल भुलैया उस जगह का प्रतीक है जहां आप अपनी मनचाही वस्तु की तलाश करते हैं। यह वह ऑफिस हो सकता है जिसमें आप काम करते हैं, वह समाज जिसमें आप रहते हैं, या वह संबंध जो आपने बनाए हैं। इस कहानी ने बहुत से लोगों के जीवन में सकारात्मक योगदान दिए हैं। यह कहानी शिकागो के पुनर्मिलन, जिसमें हाई स्कूल के कुछ सहपाठी लंच के लिए इकट्ठे हुए थे, वहाँ माइकल ने अपने दोस्तों को यह कहानी सुनाया, जो इस प्रकार से है। किसी देश में चार छोटे पात्र एक भूल भुलैया में चीज की तलाश में इधर उधर भागते रहते, ताकि उसका पेट भर सके और वो खुश रह सके। दो पात्र चूहे स्निफ और स्करी और दो छोटे लोग, जो चूहों की तरह ही छोटे लेकिन हरकत आजकल की आदमियों की तरह थी, उनके नाम हेम और हो थे। स्निफ और स्करी नाम के चूहे में दिमाग तो कम था, पर उनकी सहज बुद्धि बहुत ही पैनी थी। वे कुतरने के लिए कड़क चीज़ ढूंढ रहे थे, जैसा अक्सर चूहों को पसंद होता है। दोनों छोटे लोग चीज़ ढूंढने के लिए अपना दिमाग का इस्तेमाल किया करते थे, जिनमें कई विश्वास भरे हुए थे। चूहे और छोटे लोग में एक बात एक जैसी थी, हर सुबह वो अपनी जॉगिंग सूट और दौड़ने का जूता पहनते थे, अपने छोटे घरों से बाहर निकलते थे और पसंदीदा चीज़ की तलाश में भूल भुलैया में इधर उधर दौड़ धूप करते थे। भूल भुलैया में अनगिनत गलियारे और कमरे थे, जिसमें से कुछ में स्वादिष्ट चीज था, परंतु कई अंधेरे कोने और बंद गलियां भी थी जो कहीं भी नहीं जाते थे, जिसमें कोई भी आसानी से गुम हो सकता था। जो लोग रास्ता ढूंढ लेते थे, उसे ऐसे रहस्य मिलते जो ज़िंदगी को बेहतर और ज़्यादा सुखद बना सकते थे। दोनों छोटे चूहे चीज ढूंढने के लिए आसान परंतु कम कारगर प्रयास और भूल तरकीब का सहारा लिया। वे एक गलियारे में दौड़ते और वह खाली दिखता तो पलटकर दूसरे गलियारों में दौड़ लगाने लगते थे। स्निफ अपनी तेज नाक से चीज का गंध का अंदाज़ा लगाता था और स्करी फुर्ती से आगे आगे दौड़ पड़ता था। दोनों छोटे लोग एक अलग तरकीब, जिसकी जड़ में दो खास बातें थी, सोचने की उनकी काबिलियत और पुराने अनुभवों से सीखे गए उनकी क्षमता। कई बार वह अपने विश्वासों और भावनाओं के कारण विचलित हुए, परंतु आखिरकार वह वस्तु जिनकी उन्हें तलाश थी, उन सभी को चीज स्टेशन सी में मिल गया। हर सुबह चारों अपने अपने जॉगिंग सूट में चीज स्टेशन सी में पहुँच जाते।
उन्होंने ये दिनचर्या तय कर ली। स्निफ और अस्करी हर रोज जल्दी उठते, भूल भुलैया में दौड़ लगाते। वे अपनी मंजिल पर पहुंचकर चूहे अपनी जूते उतार देते, उनके फीते आपस में बांधकर अपनी गर्दन पर लटका लेते ताकि ज़रूरत पड़ने पे वे जल्दी से उन्हें पहन सके। फिर वे चीज़ का मज़ा लेते थे। कुछ समय बाद छोटे लोगों की दिनचर्या बदल गई। हेम और हॉ थोड़ी देर से उठने लगे, कपड़े पहनने में ज़्यादा समय लगाने लगे और धीमी कदमों से स्टेशन सी में चलने लगे। उन्होंने यह मान लिया था कि चीज वहाँ हमेशा बना रहेगा। दोनों वहाँ पहुंचकर अपना जॉगिंग सूट लटका देते और दौड़ने वाले जूते को दूर फेंक देते और अपना स्लीपर पहन लेते। वे बहुत आराम तलब होते जा रहे थे और चीज स्टेशन सी में रखे चीज को अपना चीज़ समझने लगे। उन्होंने अपना घर भी पास में ही बना लिया था। अपनी सामाजिक ज़िंदगी का ढांचा खींचने के लिए दीवारों पर कहावत और चित्र से सजाना शुरू कर दिया, आपके पास चीज़ हो तो आप खुश रहते हैं। हेम और हॉ अपने दोस्तों को चीज स्टेशन सी में ले जाते थे और उन्हें चीज दिखाकर घमंड से कहते थे, कितना बढ़िया चीज़ है ना। कई बार वे अपने दोस्तों को चीज खिलाते थे और कई बार वे ऐसा नहीं करते थे। कुछ समय बाद हेम और हॉ का आत्मविश्वास घमंड में बदल गया। वे ज़्यादा आराम तलब होते गए, उन्हें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा था। समय गुजरता गया पर स्निफ और अस्करी ने अपनी दिनचर्या को चालू रखा। हर सुबह जल्दी आते, चारों ओर चक्कर काटते, सूंघते और खरोंचते थे। पूरी जगह की जांच करते थे ताकि वे जान सके कि कल से आज के बीच कुछ बदला तो नहीं है। एक सुबह वे चीज स्टेशन सी पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि चीज गायब हो चुका है। स्निफ और अस्करी को हैरानी नहीं हुई, उन्होंने देख लिया था कि हर दिन चीज़ की मात्रा कम होती जा रही थी। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा, अपने पैरों में पहनकर फीते बांध लिए। चूहे ने स्थिति का विश्लेषण में ज़्यादा वक्त नहीं बर्बाद किया क्योंकि उनका दिमाग में जटिल विश्वास और मान्यता का बोझ नहीं लगा हुआ था। उसने खुद को बदलने का फैसला किया और भूल भुलैया में चीज़ ढूंढने लगे। स्निफ ने अपनी नाक उठाई, सूंघा और स्कड़ी की तरफ इशारा किया। स्कड़ी ने भूल भुलैया में दौड़ लगा दी। स्निफ भी उसके पीछे पीछे तेजी से दौड़ पड़ा। उसी दिन बाद में हेम और हॉ चीज स्टेशन सी पहुंचे। उन्होंने जो देखा उसके लिए वे जरा भी तैयार नहीं थे। क्या चीज़ नहीं है, हेम चीखा। वो चीखता रहा, चीज़ नहीं है, चीज़ नहीं है। जैसा उसकी चीख पुकार सुनकर कोई चीज़ को वापस रख देगा। वह गला फाड़ कर चिल्लाया, मेरा चीज़ किसने हटाया। वह वहाँ लंबे समय तक बिना हिले डुले खड़ा रहा। हेम चीखते हुए कुछ कह रहा था पर हॉ उसकी बात नहीं सुनना चाहता था। उसने अपने आँख और कान बंद कर लिए थे। चीज़ ढूंढना आसान नहीं था और छोटे लोग के लिए इसका बहुत ज़्यादा मतलब था। कुछ लोगों का चीज़ उसकी ऐसो आराम की वस्तुएं पाना हो सकता है। कई लोगों के लिए अच्छी सेहत का लाभ उठाना हो सकता है। कईयों के लिए आध्यात्मिक अनुभव हो सकता है। चीज़ उनके लिए महत्वपूर्ण था, इसलिए दोनों छोटे लोगों ने काफ़ी समय लगाया यह तय करने के लिए कि उन्हें क्या करना चाहिए। उसने चीज़ रहित स्टेशन सी के आसपास का इलाका छान लिया, चीज़ नहीं मिला। हेम और हॉ उस रात भूखे और लूटे पीटे हाल में घर लौटे, परंतु जाने से पहले हॉ ने दीवार पर लिखा, आपका चीज़ आपके लिए जितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा आप उसे उतना ही जकड़े रहना चाहेंगे। अगले दिन हेम और हॉ चीज़ स्टेशन सी की तरफ लौटे क्योंकि उन्हें वहाँ चीज़ मिलने की उम्मीद थी। हेम ने अपनी आंखें खोली, चारों तरफ देखा और कहा, स्निफ और स्करी कहाँ हैं? क्या तुम्हें लगता है उन्हें कोई ऐसी बात मालूम है जो हमें पता नहीं? हेम ने अपनी नाक सिकोड़ी, उन्हें क्या पता होगा, वे सिर्फ साधारण चूहे हैं। जो होता है उस पर सिर्फ प्रतिक्रिया करते हैं। हम छोटे लोग हैं, हम खास हैं। हमें स्थिति को ठीक से समझना होगा और हम बेहतर के काबिल तो हैं ही, हमें इसका कुछ तो फ़ायदा मिलना चाहिए था। हॉर्न ने सुझाव दिया, शायद हमें स्थिति का उतना ज़्यादा विश्लेषण नहीं करना चाहिए और नया चीज़ की तलाश करनी चाहिए। हेम ने तर्क दिया, मैं इस मामले की तह तक पहुंचकर ही दम लूँगा। स्निफ और अस्करी अपने रास्ते पर काफ़ी आगे पहुंच चुके थे। गलियारों में ऊपर नीचे हर चीज़ स्टेशन में चीज़ ढूंढते हुए जहाँ भी उन्हें चीज़ मिलने की उम्मीद थी, उन्हें कुछ समय तक चीज़ नहीं मिला जब तक कि वे चीज़ स्टेशन एन में नहीं पहुँचे।
वे खुशी के मारे चिचियाने लगे। उन्हें वह मिल गया जिनकी उन्हें तलाश थी, नया चीज का बड़ा सा ढेर। हेम और हॉ बैठकर स्थिति का समीक्षा कर रहे थे। वे कुंठित थे, गुस्सा हो रहे थे और अपनी दुर्दशा के लिए एक दूसरे को दोष दे रहे थे। हॉ नए चीज़ को ढूंढने की कल्पना जितना ज़्यादा करता था, उतना ही ज़्यादा वह चीज़ स्टेशन सी को छोड़ने के लिए प्रेरित होता था। हॉ ने कहा, चलो चलते हैं। हेम ने तुरंत कहा, मैं इस जगह को पसंद करता हूँ, यह आरामदेह और जानी पहचानी है। इसके अलावा बाढ़ बहुत से खतरे हैं। हॉ ने कहा, हम भूल भुलैया के कई हिस्सों में पहले भी दौड़ चुके हैं, ऐसा दोबारा कर सकते हैं। हेम ने कहा, अब मैं इसके लिए बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझे डर है कहीं मैं गुम न हो जाऊँ और इस कोशिश में खुद को मूर्ख साबित न कर लूँ। हॉ का असफलता का डर लौट आया और चीज़ ढूंढने की उसकी आशा और इच्छा कम होने लगी। धीरे धीरे भूख के कारण नींद लगना दिनों दिन ज़्यादा मुश्किल होती जा रही थी। वे काफ़ी चिड़चिड़े होते जा रहे थे और जब नींद आती तो उसे चीज़ न मिलने की बुरे सपने आते थे। एक दिन हेम ने कहा, हमें ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, हो सकता है कोई चीज़ दीवार के पीछे छिपा दिया हो। उन्होंने दीवार में छेद कर दिया और अंदर झांका, लेकिन वहां कोई चीज़ नहीं था। छोटे लोग भूख और तनाव की वजह से कमज़ोर हो चुके थे। हॉ यह जानता था कि स्थिति पर उसकी पकड़ ढीली होती जा रही है। हॉ ने अपना जॉगिंग सूट और दौड़ने वाला जूता ढूंढा और उसे पहना। हेम ने पूछा, कहीं तुम भूल भुलैया में जाने के बारे में तो नहीं सोच रहे? हॉ ने कहा, हाँ। तो हेम ने कहा, उन्हें हमारा चीज़ रखना होगा, हमें यहीं इंतज़ार करना चाहिए, बाहर तुम खो सकते हो। हॉ ने कहा, मैं नहीं जानता। तब उसने नया चीज़ ढूंढने के बारे में सोचा और उन बेहतरीन वस्तुओं के बारे में भी सोचा जो उस चीज़ के साथ आएगी। हेम साथ जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। हॉ ने एक छोटी नुकीली चट्टान उठा और दीवार पर एक विचार लिखा, अगर आप नहीं बदलते तो आप नष्ट हो सकते हैं। जब उसने भूल भुलैया में चलना शुरू किया तो हॉ ने पीछे पलट कर देखा। इसमें कोई शक नहीं कि जहां पर हुआ था वह जगह आरामदेह और जानी पहचानी थी। हॉ परेशान होने लगा और सोचने लगा कि क्या वह सचमुच भूल भुलैया के भीतर जाना चाहता है। उसने अपने सामने की दीवार पर एक कहावत लिखी, अगर आप डरते नहीं तो क्या करते। उसने इस बारे में सोचा। उसने अपनी दाईं तरफ देखा, भूल भुलैया के उस हिस्से की तरफ जहां वह पहले कभी नहीं गया था, और उसे डर लगने लगा। उसने एक गहरी सांस ली, वह भूल भुलैया में दाईं तरफ मुड़ा, धीरे धीरे अज्ञात में दौड़ना शुरू कर दिया। भूल भुलैया में दौड़ने से अब उसे पहले से ज़्यादा समय लग रहा था और पहले से ज़्यादा कष्ट भी हो रहा था। उसने फैसला किया कि अगर अब उसकी ज़िंदगी में फिर ऐसा मौका आएगा तो वो हालात के हिसाब से खुद को जल्दी ही बदल लेगा। हॉ ने एक कमज़ोर मुस्कुराहट के साथ यह सोचा, कभी नहीं से देर वाली। जब भी उसे लगता था कि वह तरक्की कर रहा है तब वह गलियारों में रास्ता भटक जाता था। ऐसा लगता था जैसे वह दो कदम आगे और एक कदम पीछे चल रहा था। यह एक चुनौती थी, परंतु मानना पड़ा कि भूल भुलैया में आना और चीज़ ढूंढना उतना बुरा नहीं था जितना उसने सोचा था। उसने सोचा कि कहीं उसने इतना बड़ा निवाला मुंह में भर तो नहीं लिया है जिसे वो निगल न सके। यह सोचकर हंसा कि उसके पास इस वक्त निगलने के लिए कुछ भी तो नहीं है। हालांकि वह परेशान था, फिर भी उसकी मौजूदा हालत उसकी पुरानी चीज़ रहित स्थिति से तो बेहतर था। स्थिति उसके काबू में थी, वह हाथ पर हाथ रख कर घटनाओं का होने का इंतजार नहीं कर रहा था। चीज़ स्टेशन सी पर रखा चीज़ रातों रात गायब नहीं हुआ था। जैसा कि उसने पहले सोचा था, चीज़ की तादाद आखिर धीरे धीरे कम होने लगी थी, बासी भी होने लगा था, स्वाद भी उतना अच्छा नहीं रह गया था, चीज़ पर शायद फफूंदी भी जमने लगी थी। अगर वह स्थिति पर शुरू से पूरी नज़र रखता तो पहले ही अंदाज़ा लगा लेता। चीज़ ढूंढते ढूंढते काफ़ी वक्त गुजर गया। आखिर एक बड़ा सा चीज़ स्टेशन दिखा जहां पर चीज़ मिलने की उम्मीद थी, लेकिन चीज़ स्टेशन खाली था। उसने दीवार पर लिखा, चीज़ को हर रोज़ सूंघते रहे ताकि आपको पता चल सके कि वह कब बासी हो रहा है। ऐसा खाली खाली एहसास उसे बहुत बार हुआ था। उसने सोचा, वह अब हार मानने को ही था।
फिर उसने खुद से वही सवाल दोबारा पूछा, अगर मैं डरता नहीं तो क्या करता। हॉ ने सोचा, क्या हेम भी अपनी जगह से चल दिया होगा। उसने दीवार पर अपने मित्र हेम के लिए अनुसरण का संकेत लिखा। किसी नई दिशा में आगे बढ़ने से नया चीज़ ढूंढने में मदद मिलती है। उसके मन में बहुत सी डरावनी बातें आने लगी जो उसके साथ हो सकती थी। वह खुद को बुरी तरह डरा हुआ पा रहा था। वह फिर खुद पर हंसा। उसने महसूस किया कि उसके डर उसके हालात को और खस्ता बना रहे हैं, इसलिए उसने वही किया जो अगर वह डरा हुआ नहीं होता तो करता, एक नई दिशा में मुड़ा। अपने आप को इतना ज़्यादा खुश होते देखकर वह चक्कर में पड़ गया। उसे इतना अच्छा क्यों लग रहा है, वह हैरान था। उसने जाना, जब आप अपने डर को जीत लेते हैं तो आप आज़ाद महसूस करते हैं। हॉ ने बहुत समय से इस तरह की खुशी महसूस नहीं की थी। वह लगभग भूल ही गया था कि यह सब कितना मज़ेदार होता है। हॉ ने खुद से पूछा, मैंने ऐसा पहले क्यों नहीं किया। फिर वह भूल भुलैया में ज़्यादा ताकत से और तेज़ी से दौड़ने लगा। जल्द ही उसे एक चीज़ स्टेशन दिखा और वह खुश हुआ जब उसे दरवाजे पे नए चीज़ के छोटे छोटे टुकड़े दिखे। उसने उसे चक्कर देखा और पाया कि सचमुच स्वादिष्ट थे। खा लिया और कुछ को अपनी जेब में रख लिया ताकि उन्हें बाद में अकेले या फिर शायद हेम के साथ खा सके। उसे अपनी ताकत फिर से लौटती हुई महसूस हुई। बहुत उम्मीद लेकर वह चीज़ स्टेशन में घुसा। यह देखकर निराशा हुई कि वह खाली था। उसने दीवार पर लिखा, जितनी जल्दी आप पुराने चीज़ को छोड़ेंगे उतनी ही जल्दी आप नया चीज़ ढूंढ पाएंगे। कुछ समय बाद हॉ फिर चीज़ स्टेशन सी की तरफ लौटा और हेम से मिला। उसने हेम को नए चीज़ के कुछ टुकड़े देने चाहे पर हेम लेने से मना कर दिया। हेम ने अपने मित्र की पहल का स्वागत किया परंतु उसने कहा, मुझे नहीं लगता है कि मैं नए चीज़ को पसंद करूंगा, मुझे इसकी आदत नहीं है। मैं तब तक नहीं बदलूंगा जब तक कि मुझे मेरा मनचाहा चीज़ नहीं मिल जाएगा। वह खुश था, वह अपने डर से हार नहीं रहा था। वह जो कर रहा था उससे उसे खुशी मिल रही थी। अब उसे भरोसा हो चुका था कि उसे अपनी मनचाही वस्तु निश्चित रूप से मिलेगी। सवाल सिर्फ यह था कि इसमें कितना समय लगेगा। वास्तव में उसने अनुभव किया, वह जो पाना चाहता है वह उसे मिल चुका है। उसने महसूस किया, चीज़ के बिना रहने के बजाय भूल भुलैया में तलाश करना ज़्यादा सुरक्षित है। अब वह समझ गया था कि परिवर्तन होना स्वाभाविक है, चाहे आप इसकी आशा करें या ना करें। परिवर्तन तभी आपको चौंका सकता है जब आप इसकी आशा नहीं करते हैं और इसे पसंद नहीं करते हैं। उसने दीवार पर लिखा, पुराने विश्वास आपको नए चीज़ की तरफ नहीं ले जाते। अब वह जान चुका था कि जब आप अपना सोच बदल लेते हैं तो आपके काम खुद ब खुद बदल जाते हैं। आप सोच सकते हैं कि किसी परिवर्तन से आपका नुकसान होगा और आप उसका विरोध कर सकते हैं। दूसरी तरफ आप यह भी सोच सकते हैं कि नया चीज़ खोजने से आपको उस परिवर्तन को गले लगाने में मदद मिलेगी। उसने दीवार पर लिखा, जब आप देखते हैं कि आप नया चीज़ ढूंढ सकते हैं और इसका स्वाद ले सकते हैं तो आप अपना रास्ता बदल लेते हैं। छोटे परिवर्तनों को पहले से ही भाप लेने से आप जब आने वाले बड़े परिवर्तनों के हिसाब से ढलने में फंसा हुआ था उसके सफ़र का या तो कम से कम इस सफ़र के एक हिस्से का तेज़ी से और सुखद अंत हुआ। हॉ को चीज़ स्टेशन एन पर नया चीज़ मिल गया। एक पल के लिए उसने सोचा कि क्या यह हकीकत थी या केवल उसकी कल्पना की उपज थी। भूख से पैदा हुई मृग मरीचिका थी, परंतु तभी उसे वहाँ पर अपने पुराने दोस्त स्निफ और स्करी नज़र आए। स्निफ ने अपना सिर हिलाकर हॉ का स्वागत किया और स्करी ने अपने पंजे उठाकर उसके छोटे परंतु मोटे पेट बता रहे थे कि वे वहाँ काफ़ी समय से थे। उसने यह महसूस किया कि जब वह परिवर्तन से डरा हुआ था तब वह पुराने चीज़ के चक्कर में पड़ा हुआ था जो वहाँ था ही नहीं। उसने स्निफ और स्करी से भी कुछ उपयोगी सीख ली। उसने देखा कि उन्होंने जीवन को आसान रखा, घटना को ज़्यादा पेचीदा नहीं बनाया, न ही अति विश्लेषण किया। अब हॉ जानता था कि कई डर अच्छे होते हैं क्योंकि वे आपको खतरे से दूर रखते हैं, पर उसने यह महसूस किया कि उसके ज़्यादातर डर मूर्खतापूर्ण थे और जब उसे बदलने की ज़रूरत थी तब इन डरों के कारण ही वह नहीं बदल पा रहा था।
उसने दीवार पे लिखा, परिवर्तन होता रहता है, वे चीज़ को हटाते रहते हैं, परिवर्तन को भापो, चीज़ के हटने के लिए तैयार रहें, परिवर्तन पर नज़र रखें, चीज़ को बार बार सूंघते रहें ताकि आप जान सकें कि कब वह बासी हो रहा है, परिवर्तन के हिसाब से खुद को जल्दी ढाले। जितना जल्दी आप पुराने चीज़ से दूर हटते हैं उतना जल्दी आप नए चीज़ का स्वाद ले सकते हैं। खुद को बदले, परिवर्तन के साथ आगे बढ़े, परिवर्तन का मज़ा ले, रोमांच का मज़ा ले और नए चीज़ का स्वाद का लुत्फ़ उठाएं। जल्दी से बदलने के लिए तैयार रहें और फिर इसका आनंद उठाएं, वे चीज़ हटाते रहते हैं। हॉ ने यह महसूस किया कि जिस हालात में वह हेम के साथ चीज़ स्टेशन सी में था वहाँ से वह बहुत दूर हो चुका है, पर वह यह भी जानता था कि अगर वह ज़्यादा आराम तलब हो गया तो फिर वह पुरानी हालत में पहुँच जाएगा कि उसके चीज़ की हालत कैसी है। वह इसे पूरी तरह से पक्का कर लेना चाहता था ताकि अचानक होने वाले कोई परिवर्तन उसे हैरान न कर दे। तभी हॉ को ऐसा लगा कि भूल भुलैया से बाहर कोई आवाज़ आ रही है। जब आवाज़ तेज हुई तो उसने महसूस किया कि कोई आ रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि हेम आ रहा हो? क्या वह अपना मोड़ मुड़ गया होगा? उसने छोटी सी प्रार्थना और आशा की, चीज के साथ बढ़ते जाएं और इसका मज़ा लेते रहें। इस तरह यह कहानी ख़त्म होने के बाद सभी ने अपने अपने जीवन में अपनी स्थिति और प्रगति के लिए उचित बदलाव के लिए बहुत प्रेरित हुए और सभी अपने अपने घर लौट गए। दोस्तों, आप किसकी तरह हैं और किसकी तरह बनना चाहते हैं? प्लीज़ हमसे ज़रूर शेयर कीजिए, हमें खुशी होगी। थैंक यू सो मच जो आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। इस तरह का और वीडियो पाने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।